किया पिताजी, ये महान गाना, ये महान उपस्थिति, ये महान सभा के लिए प्रभु आपको मैंने धन्यवाद करना चाहता है। प्रभु मेरा हृदय पूर्वक धन्यवाद आपको, क्योंकि परमेश्वर आपका ये दया, आपका ये कृपा, आपका ये महान प्रेम हमारा जीवन को आपने स्पर्श किया प्रभु। अगर हमको ये दया नहीं मिलता था, हम ये दुनिया में नाश होते थे प्रभु। हमारा पाप हमारे जीवन को सर्वनाश करता था, मगर आपने हमको ऐसी नहीं छोड़ा प्रभु। मैंने आपको धन्यवाद करना चाहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा की द्वारा आपने हमको ये सच्चा उज्जीवन देने वाला सुसमाचार को हमको दे दिया। हमारा पास घमंडी का बात कुछ भी नहीं है प्रभु। हम एक ही बात के लिए घमंड होता है, वो जो है आप हमारा साथ में है प्रभु। धन्यवाद है, हमारा सेवकाय को आपने सुरक्षित रूप से रखा है। एक साल हो गया ये YouTube चालू होके, एक साल में आप हमको विजय से विजय हमको दे दिया प्रभु। हमारा ये सेवकाय को गिराने के लिए बहुत लोग बहुत प्रयास किया सातान ने, मगर ये गिरा नहीं, ये अद्भुत रूप से आपने इनको खड़ा किया, अद्भुत रूप से आपने इनको चला रहा है, अभी तक चलाया। और मेरे साथ एक जबरदस्त भाई मिनिन को भी आपने दे दिया, और मैंने आपके लिए धन्यवाद करता है। ये बार का लोग का मुंह से भी आ गया, आपके लिए ऐसी भाई को परमेश्वर ने दिया करके। धन्यवाद है प्रभु भाई का हर काम के लिए, हर उनका मुसीबत में उसको निकालना, उनको दिया हुआ ये दान के लिए आपको धन्यवाद दें। परमेश्वर उनको और भी आशीष कर देना। मैंने और भी आपसे विनती करता है, इस जगह पर खड़े होते हुए सातान अपना चालकी को अभी तक नहीं छोड़ा। सातान हर बातों में ये सेवकाई को कुछ भी मदद ना मिले, ये सेवकाई के विरुद्ध खड़े होते हुए अपना जिद्दी को रखते हुए, ये सेवकाई का तरफ नहीं देखते हुए, अपने को मिला हुआ रक्षण इस सेवकाई के द्वारा मिलाए करके नहीं सोचते हुए इस सेवकाई का विरुद्ध बहुत सारा बातों को बात किया प्रभु। और इस सेवकाई को बहुत तरीका से बुराई बोलते हुए सेवक को भी, सेवकाई को भी, पवित्रता को भी निंदा करते हुए प्रभु अभी भी अपना जो मन का आशा को पूरा करते हुए, पैसा का लालची को रखते हुए, पैसा का ऊपर लालची रखते हुए हननी सफारिया का आत्मा को फाते हुए परमेश्वर अपना मुंह से जो बोला हुआ बातों को नहीं रखते हुए प्रभु इस सेवकाय का विरुद्ध खड़ा हो गया। ऐसी सातान भयंकर रूप से खड़ा हो गया। मेरा प्रार्थना है प्रभु, अभी आपका सेवक भाई ब्रानम ने कहा, ये सब होते हुए तीन तरीके का विश्वासी लोगों का संदेश में आपका दास ने बोला, कभी पवित्र आत्मा का बाप्तिस्मा हो जाएगा, स्वर्ग से एक आवाज आएगा, हर एक व्यक्ति का शरीर के अंदर, फाइबर के अंदर ये पवित्र आत्मा घुसेगा, तभी हननिया सफारिया का मुकाबला हो जाएगा बोला। अगर ऐसी बात है प्रभु, ये हननिया सफारिया बाहर से किधर से नहीं आता है, अभी मौजूद है प्रभु, और ऐसी हननिया सफारिया का मुकाबला को देखने के लिए आपने हमको रखना प्रभु। क्योंकि परमेश्वर मेरा प्रार्थना है, कोई भी हमारा कोई भी ऐसी प्राण का आशा ना होने दे, क्योंकि आपका वचन में बोलता है सातान सिंह का जैसा गर्जन को करते हुए आएगा और उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। अभी हमको खुशी है, हमारा हृदय में बहुत खुशी है प्रभु, क्योंकि आपका उपस्थिति को हम पाया। जो लोग ने ये सुसमाचार को, ये सेवकाय को टुकराते हुए ना अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति के नीचे बैठता है,
ना अभिषेक पाया हुआ जो चीजों को सुनता है प्रभु, कितना दरिंदर लोग है प्रभु। मगर हमको धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद करता है परमेश्वर। दूर दूर से लोग तारीफ करता है, दूर दूर से लोग आशा करता है ये संदेश को सुनने के लिए। एक भाई ने कल कहा ऐसी संदेश हम अभी तक नहीं सुना बोला। परमेश्वर ऐसी प्राण को आपने रखा है, आपको धन्यवाद है परमेश्वर। खास करके भाई मार्शल के लिए हम प्रार्थना करता है, भाई जो कदम उठाया, भाई जो इस सेवकाई के लिए कोई भी ऐसी कदम नहीं उठाया, ऐसी कदम को उठाया उस भाई ने, ये सेवकाई को सुपुत्र रूप से खड़ा हो गया और अपना दिल के अंदर एक बातों को स्पष्ट कर दिया, मैं इस सेवकाई के अलावा कोई किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। हालांकि सातान उसको बहुत भरमाने को देखा, सातान अपना प्रेम को दिखाया, सातान अपना चालाकी को दिखाया, मगर वो गिरा नहीं। मेरा अनुपस्थिति से उन्होंने अपना कदम को और भी बलिष्ठ कर दिया और जो कदम उन्होंने उठाया उसी कदम में खड़ा होते हुए सातान को सामना कर दिया। सातान उसको मुकाबला करने के लिए नहीं आएगा नहीं। धन्यवाद है प्रभु भाई मार्शल को और भी जबरदस्त तंदुरुस्ती और उनका शरीर को चंगाई और उनका हर मामला को आप निपटते हुए उनको आगे लेकर जाना और विजयी आखिरी में आपका लोगों का है प्रभु। क्योंकि हम अभी तक देखा विजयी दुश्मन को अभी तक नहीं मिला, अभी तक दुश्मन विजयी को नहीं पाया। यस प्रभु वो दुश्मन गिर चुका है मगर विजयी आपको है, क्योंकि आपने विजयी को पाया, आपने पाताल को विजय किया, आपने मृत्यु को विजय किया, आपने सबको विजय कर दिया और आपका दुल्हन को भी वही विजय को आप दे रहे हैं। धन्यवाद है प्रभु। ये छोटी सी समय पर हम लोग आके खड़ा है आपका सेवक को आप अभिषेक करना, ये सेवकाई को कुछ भी संकट ना होने दे, ये सेवकाई का नाम बदनाम ना होने दे, ये सेवकाई को आप और भी आगे लेकर जाना, आशीष को दे देना। धन्यवाद है। मैं प्रार्थना करता है वो मेक्सिको में जो प्राण है, जवान प्राण है ईवा संडोवाल, वो ईवा संडोवाल मार्ता का बेटी, उनको भी आशीष कर देना। बहुत खुशी से इस सुसमाचार को उन्होंने विश्वास करती है, रात और दिन में बात करती है। धन्यवाद है। वो प्राण को सुरक्षित रूप से रखना। भाई मोसेस एंड्रिका मेक्सिको और भाई इमिलिया, ये सबको आप आशीष करो। भाई पैट्रिक रीगा और खास करके मैंने प्रार्थना करता है हमारा बहुमूल्य भाई जाम्बिया में आरोन मोचामलिका, वो थांजनिया गया प्रभु, वहां पर मीटिंग के लिए थांजनिया गया, उनको भी बहुत जबरदस्त आशीष कर देना। ओ फॉर गॉड अफ्रीका में एक फायर को आपने बना दिया, एक अंगार को आपने बना दिया प्रभु। और हमारा बहुमूल्य भाई बहुमूल्य सर्वेंट ऑफ गॉड सेवक भाई एलाइजा और भाई फ्रांसिस नाइजीरिया में, ये लोग 30 लोग उधर सारा चर्च भाई लैम्बर्ट का मैसेज को स्वीकार कर दिया और हमारा साथ खड़ा है प्रभु। सबको आपका आशीष को दे देना। धन्यवाद है प्रभु। हमारा बहुमूल्य भाई गयाना में भाई पीटर बैप्टिस्ट, उसको भी आशीष कर देना प्रभु। पैट्रिक रीगा, उसको भी परमेश्वर, और अलग अलग जगह पर भाई लोग हैं और चर्च से सभी को आप आशीष कर देना। हमारा बहुमूल्य भाई सैमसोन, वो आंध्र में मीटिंग में है, परमेश्वर उनका मीटिंग सफलता होने के जैसा कर देना और संदेश के द्वारा लोगों को खुशी करने के जैसा कर देना। धन्यवाद है प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। आइए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। वॉयस मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 43 से पढ़ेंगे। 43, when the unclean spirit is gone out of man, he
वॉकेथ थ्रू ड्राई प्लेसेस सीकिंग रेस्ट एंड फाइंडेथ नन देन ही सेड आई विल रिटर्न इन टू माई हाउस फ्रॉम वेंस आई केम आउट एंड वेन ही इज कम ही फाइंडेथ इट एम्प्टी स्वेप्ट एंड गार्निश्ड देन गोएथ ही एंड टेकेथ विद हिमसेल्फ सेवन अदर स्पिरिट्स मोर विकेड देन हिमसेल्फ एंड दे एंटर इन एंड ड्वेल देयर And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto the wicked generation. Or Luke ka susamachar 17, Luke 17, Luke 17. और 11 टू वैस हाँ और 15 से पढ़ी एंड वन ऑफ देम व्हेन ही सॉ दैट ही वाज हील्ड टर्न्ड बैक एंड विद अ लाउड वॉइस ग्लोरीफाइड गॉड एंड फेल डाउन ऑन हिज फेस एट हिज फीट गिविंग हिम थैंक्स एंड ही वाज ए समारिटन And Jesus answering him to him and said him, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Parameshwar, is vachan ko jabardast aashish kare, aap log baith sakte hain. Prabhu ka naam ko dhanyawad hai. काफ़ी आनंद हम उठाया और ये मैसेज हमको गया इतवार का समय ये मैसेज को हम लोग सुना और बहुत भाई लोग और बहुत लोग बहुत खुशी पड़ा खुशी किया एक पास्टर यहाँ का मैंगलोर का एक पास्टर बहुत तो आनंद उठाया और मेरे को बोला बहुत अच्छा मैसेज है करके प्रभु का नाम को धन्यवाद दे परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे क्या है परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें प्रभु ने हमको ये महान कामों को हमारे लिए कर दिया हम धन्यवाद करना चाहते हैं वयस प्रभु का ये महान काम के लिए और महान प्रेम के लिए आइए आज भी हम लोग वही मैसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं वयस जो मैसेज है आप उसको बाद में कर दो अभी जो मैसेज है 10 लीपर्स 10 कोड़ी का लोग और उसका सबटाइटल सोल डिलीवरेंस प्राणों का छुटकारा सोल डिलीवरेंस प्राणों का छुटकारा प्रभु का नाम को धन्यवाद दे हम लोग देखता है कि मेरा प्यारा भाई बहनों बहुत जबरदस्त बात है भाई ब्रानम का समय में भाई ब्रानम बहुत अच्छा नबी था भाई ब्रानम का जैसा नबी कोई भी नहीं था क्योंकि भाई ब्रानम आने के तक हमको कुछ भी मालूम नहीं था वचन के बारे में हमको अनुभव नहीं था और परमेश्वर के बारे में और कुछ भी मालूम क्योंकि परमेश्वर भाई ब्रैनम को भेजना पड़ा मगर जैसा प्रभु अपना दास को भेजा अपना दास को भेजा अपना सर्वेंट को भेजा अपना दास को भेजा मेरा प्यारा भाई बहनों लगातार परमेश्वर का दास का द्वारा प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया वो जो है छंगाई का सेवकाई और ऐसी छंगाई को ये दुनिया बाइबल का समय से भी लेकर अब्राहम का समय से भी लेकर मैं कहना चाहता है अब्राहम का समय से पहले से लेकर अभी तक अंत तक ऐसी तरीका का एक चिन्ह और चमत्कार ये पृथ्वी में नहीं हुआ यस ये सच कहता है ऐसी जबरदस्त सेवकाई भाई ब्रैनम का था छंगाई का सेवकाई मगर ये छंगाई का सेवकाई मेरा प्यार भाई बहनों ये चर्चस कलीसिया सब इकट्ठा होते हुए अलग अलग डिनोमिनेशन आनंद कर दिया ओ यस उसमें ब्राइड को कुछ भी लाभ नहीं है उसमें वो सेवकाई में दुल्हन का कोई भी लाभ नहीं हुआ ओ यस दुल्हन नहीं दिखाई दिया हमको दिखाई देता है पूरा संस्था डिनोमिनेशन इन बातों को देखते हुए आनंद उठाया और ये डिनोमिनेशन को आकर्षित कर दिया और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद भाई ब्रैनम का ये छंगाई का जो सेवकाई छंगाई का जो अभियान छंगाई का जो मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री में दो खिंचाव बोल सकता है वैसे सब कुछ एक ही हिसाब है
ये इन सब से डिनोमिनेशन वॉयस भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री का नीचे बैठा था, डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशन चर्चेस, संस्था का कलीसिया वॉयस, और वो लोग इसमें आनंद उठाया और वो लोग इसमें आकर्षित कर दिया, आकर्षित हो गया वॉयस। मेरा प्यारा प्यार बहनों, इसलिए भाई ब्रैनम क्या बोला है? इधर देखिए भाई लैम्बर्ट इसके बारे में बोलता है, वॉयस भाई ब्रैनम बोलता है, आप लोगों के पास एक चंगाई का विश्वासी नहीं है, बराबर सुनिए, चंगाई करने होने वाला विश्वासी नहीं है, मगर रैप्चर का विश्वास कैसा जाएगा? प्रेज बी द नेम, क्योंकि रैप्चर का विश्वास होने का कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि रैप्चर चंगाई होने से रैप्चर का विश्वास नहीं आता है। भाई ब्रैनम के समय में वॉयस, मैं बहुत बार इन बातों को बोला, भाई ब्रैनम के समय में चंगाई का विश्वास ही लोगों के अंदर नहीं दिखाई दिया वॉयस, क्योंकि चंगाई हो रहा था उस पर, जैसा एक कोड़ी लोग का चंगाई होता था, मगर ये सब शरीर का संबंधित है, मगर भाई ब्रैनम क्या बोलता है, ये चंगाई का विश्वासी लोगों के अंदर नहीं है बोलते, क्योंकि लोगों के अंदर का चंगाई का जो विश्वास को भाई ब्रैनम देखा लोगों में नहीं है वॉयस। परमेश्वर को धन्यवाद है वॉयस, इसलिए भाई ब्रैनम का जो चंगाई का जो सेवकाई खत्म हो गया वॉयस, खत्म हो गया, सब लोग का खोड़ी निकल गया, शरीर का खोड़ी, ये लोग का शरीर के अंदर का खोड़ी स्वस्थ हो गया। अभी मैंने जो वचन को पढ़ा है, ये लोग मेरा फर बैर बहनों, शरीर का खोड़ी पूरा स्वस्थ हो गया और ये लोग का प्राण पूरा शुद्ध हो गया, बोलेगा तो खाली हो गया, कुछ भी नहीं है, मगर मेरा फर बैर बहनों, जो सातान शरीर से भागा, बराबर सुनो, जो सातान ये लोगों का शरीर को छोड़ के भागा, बहुत सातान का झुंड शरीर को छोड़ दिया और भागा, भाई ब्रैनम ने भगा दिया, मगर भाई ब्रैनम वो काम नहीं किया, वो लोगों का प्राण को रक्षण करने वाला कोई भी योजना भाई ब्रैनम का सेवकाई के द्वारा नहीं हुआ। हाउ मेनी सेवन भाई ब्रैनम का सेवकाई के द्वारा लोगों का प्राण बचाने का काम यहाँ पर नहीं हुआ, तो सिर्फ शरीर को बचाने का काम हो गया, शरीर बच गया, शरीर का खोड़ी भाग गया, शरीर का ऊपर का जो बीमारी निकल गया, शरीर चंगाई को पाया, मगर प्राण पूरा वैसे की वैसी था। जो भागा हुआ सातान, जो भागा हुआ दुष्टात्मा, इतना डिनोमिनेशन के बीच में, इतना धार्मिक लोगों के बीच में, वॉयस, इसलिए मैं भी सोच रहा था एक समय में, मैं भी बहुत सोच रहा था, क्यों इतना लोगों को चंगाई हो गया, क्यों वो लोग आज मैसेज में नहीं है, इतना लोगों का चंगाई हो गया, क्यों वो लोग आज भाई ब्रैनम का मैसेज का कलीसिया में नहीं है करके मेरा भी एक प्रश्न था, मगर मेरे को तभी प्रभु का कोई भी जवाब नहीं मिला, मगर मेरे को जैसा परमेश्वर ये भाई लैम्बर्ट का मैसेज के पास लेकर आया, सारी जवाब मेरे को मिलने को शुरू हो गया। वो जवाब वही है, क्योंकि वो लोगों को शरीर में चंगाई हो गया, मगर जो भागा हुआ भूत और प्रेत, जो भागा हुआ दुष्टात्मा वापस मुड़ के देखा, वो लोगों का प्राण पूरा खाली हो गया, वो लोगों का प्राण के अंदर और भी पूरा वो हो गया, वो लोग सोचा हमको चंगाई मिला करके वो लोग खुशी मना रहा था, वो लोग क्या क्या मालूम है, वापस 7 और भी दुष्टात्मा को लेकर आया वॉयस, फैला थोड़ा था मगर 7 दुष्टात्मा को लेकर आके अंदर वास करने के शुरू हो गया, वो लोगों का पहले का स्थिति से भी भयंकर आखिरी का स्थिति हो गया, क्योंकि वो लोग सब धार्मिक लोग बन गया, रिलीजियस डेविल आके बैठा, रिलीजियस डेविल वॉयस, 7 दुष्टात्मा के वो लोगों का प्राणों को कब्जा कर दिया, क्योंकि वो लोगों का प्राण के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं था ये सातान को रोकने वाला, कोई भी आइटम नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्थिति भयंकर होगी, इसलिए मैं वो स्क्रिप्चर को पढ़ा वॉयस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, प्रभु के नाम को धन्यवाद वॉयस, सब लोग वॉयस, ये हकीकत का बात है, सबको चंगाई पाया, सब हॉस्पिटल्स खाली हो गया, अलग अलग तरीके का संस्था भाई ब्रैनम को बुलाते हुए ये चंगाई का सेवकाई को कर दिया, लोग वचन सुनने के लिए तैयार नहीं था, लोग भाई ब्रैनम का मैसेज के लिए नहीं आ रहा था, लोग भाई ब्रैनम का चंगाई को देखने के लिए आ रहा था, चंगाई पाने के लिए आ रहा था वॉयस, रोगी का चंगाई पाने के लिए आ रहा था,
बहुत बीमारी लोग आ रहा था, जैसा यीशु मसीह का जो समय में भी ऐसे ही हो गया। बहुत लोग बीमारी वाले आके प्रभु से चंगाई पाते जा रहा था। अभी इधर भी कोड़ी के लोग भी वही लोग हैं, जो 10 कोड़ी का, जो 9 कोड़ी का लोग भी वही हालत वाले, वो लोग का सब शरीर चंगाई हो गया, पूरा शुद्ध हो गया। और प्रीस्ट भी आके देखा, वो लोग का याजक भी आके देखा, ये लोग का शुद्ध को देखा, वो लोग वही सब शुद्ध हो गया। मगर क्या क्या इधर बहुत भयंकर चीज हो गया, वो लोग काली शुद्ध हो गया, मगर वो शुद्ध को देखा डेविल सातान ने, वो लोग काली होके शुद्ध हो गए करके देखा, वापस 7 दुष्टात्मा को लेकर आके वो लोगों का प्राणों को कब्जे किया। और बाइबल कहता है ये लोगों का पहले की स्थिति से भी आखिरी की स्थिति भयंकर हो गया। ये बातों को हम लोग आज देख सकता है, ओ यस, ये बातों को आज हम लोग देख सकता है। ये लोग का स्थिति आज भयंकर हो गया। वो लोग मेथोडिस्ट में रहने के समय में ठीक था, वो लोग रोमन कैथोलिक में रहने के समय में ठीक था, वो लोग बैप्टिस्ट में रहने के समय में ठीक था, वो लोग जेओविटेस में रहने के समय में ठीक था, ये लोग अलग अलग संस्था में रहने के समय में थोड़ा तो ठीक था, मगर अभी उससे भी बेकार हो गया। क्यों? ये लोग अभी मेरा प्यारा भाई बहनों अलग अलग तरीके का वोएस अनुवाद को ये लोग पाया, अलग अलग तरीके का वो वोएस स्पिरिट आत्मा को ये लोग पाया। ये लोग घमंड बढ़ गया, ये लोग अंदर घमंड और क्या बोलते घमंड का अंक और भयंकर तरीके का ये लोग का स्वभाव बढ़ गया। एक तरीके का धार्मिक बन गया, सदके और फारसी का समान हो गया, सबको न्याय करने के जैसा हो गया। मेरा प्यारा भाई बहनों ये लोगों का स्थिति अभी भयंकर हो गया। क्यों? क्यों? इसीलिए मेरा प्यारा भाई बहनों वैसे वो दुष्टात्मा देखा ये लोग का प्राण को, उधर कुछ भी नहीं है, वैसे चंगाई के द्वारा सब कुछ पा गया, मगर वापस देखने में ये लोग के अंदर ऐसी ऐसी चीज नहीं है जो सातन को रोकने वाला, ऐसी आइटम ये लोग का पास नहीं था। और मेरे बोलने का तरीका में रेवलेशन नहीं था, वो लोग के अंदर रेवलेशन नहीं था, सारी प्राण खाली था, बिना रेवलेशन में था ये प्राण के अंदर, बिना रेवलेशन में था। मेरे प्यारे प्यारे बहनों अगर रेवलेशन होता तो ये इन लोगों के अंदर साथ नहीं आता था, मगर रेवलेशन नहीं था, वो ऐसे प्राण सब खाली था और भयंकर तरीके का दुष्ट आत्मा आके ये लोग के अंदर वास करने को शुरू किया। और बाइबल कहता है ये लोगों का पहले का स्थिति से भी आखिरी का स्थिति भयंकर है। वोएस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, पहले का स्थिति से भी आखिरी का स्थिति भयंकर है। वोएस ये लोगों मेरा फर बहनों भयंकर स्थिति को पाया। वोएस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ये लोग का स्थिति अलग हो गया, ये लोग का स्थिति बेकार हो गया। आज भी हम देख सकता है ये लोग के अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। वैस ये लोग पूरा सातान ये लोग के अंदर 7 तरीके का दुष्ट आत्मा के वास करने को शुरू हो गया। वैस अभी इधर देखिए, ऑलराइट, और प्यारा भाई बहनों जितना लोग आता था भाई ब्रैनम का मीटिंग में, अभी इधर देखो वोएस, तभी भाई ब्रैनम ने मोरा खुलासा का बोला, मोरा खुलासा को भाई ब्रैनम प्रचार करने को शुरू किया, बहुत लोग उनको छोड़ दिया क्योंकि वचन आने को शुरू हो गया भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री में, वचन आने को सब लोग छोड़ दिया उसको, सब लोग छोड़ दिया। वोएस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, तभी भाई ब्रैनम मोरा खुलासा का समय आ गया, उसका चंगाई का पूरा चंगाई पूरा बंद हो गया, चंगाई का जो सेवक है बंद हो गया। अभी मोरा खुलासा होने में 1963 में भाई ब्रैनम के पास वचन आ गया, पूरा वचन आ गया और वचन प्रचार करने को शुरू किया, सब लोग भाग गया, सब लोग भाग गए, जैसा 9 लोग भाग गया। हाउ मेनी 7? वो जो है टर्निंग पॉइंट था। हाउ मेनी 7? वो जो था टर्निंग पॉइंट था। कैन यू 7? सब चंगाई पाके भागा वो लोग। Praise be the name of the Lord. वैसे मैं इधर पढ़ के आपको बताता है, जो भी मैंने बोला गया इतवार में वो सच है। अभी मैं पढ़ के दिखाता है, His crowds fell from 50,000 to 300. हाँ, जितना 50,000 से 300 तक इनका जो झुंड होने को शुरू हो गया, कितना 50,000 था इसका झुंड, बोलेगा तो चंगाई हो रहा था, कोड़ी को निकालता था, कोड़ी शरीर का कोड़ी के लिए कितना आ रहा था 50,000। देखो मेरा प्यारा भाई बहनों, शरीर का कोड़ी के लिए 50,000 लोग आके इकट्ठा होता था चंगाई का सेवकाई के नीचे,
मगर ये तब वचन को प्रचार करने को शुरू किया 1963 के बाद, 1963 के बाद मोरा खुलासा होने के बाद, सील्स को खुलासा होने के बाद, 6 मोरा का प्रचार होने के समय में इनका जो नंबर्स, इनका जो गिनती कम हो गया, 50,000 से 300 को आने को शुरू हो गया बोलते हैं। बिकॉज ही गॉट अवे फ्रॉम द साइन इन हिज हैंड, क्योंकि उनका हाथ में जो चिन्ह हो रहा था वो निकल गया। परमेश्वर इसका हाथ में जो होने वाला चिन्ह, वैसे एक जो है उसका हाथ में चिन्ह आ रहा था, चिन्ह बोलेगे तो जैसा मूसा के हाथ में चिन्ह था वो भी बीमारी सब इनके हाथ में आता था, ये चिन्ह निकल गया अभी। वैसे लोग सोचा इनका जो पावर, इनका जो सामर्थ्य निकल गए करके लोग सोचा। ऑल राइट, द साइन स्टिल्ड द मल्टीट्यूड, जो चिन्ह जो है वो झुंड को, लोग बहुत लोगों को जमा कर दिया। मेरा प्यार, ये लोग चिन्ह के लिए आ गया। इसलिए इसलिए प्रभु क्या बोला, ये व्यभिचारी संतान है, चिन्ना के लिए देख रहा है, चिन्ना को देखता है। व्यभिचार संतान वचन को नहीं देखता है, चिन्ना को देखता है। मगर जो चिन्ना मैं आप लोगों को बताता है, जैसा जोना ने 3 दिन और 3 रात मछली का पेट के अंदर था, वैसे ही मनुष्य पुत्र 3 दिन और 3 रात वैसे भूमि पृथ्वी के अंदर हो जाएगा। बोलो, वैसे वो पुनर्थान का चिन्ह था, पुनर्थान का चिन्ह। मगर इधर वो ये जो चिन्ह जो है भाई ब्रैनम का हाथ में जो चिन्ह था वो क्या चिन्ह में बता रहा है, जिसका भी कैंसर होने दो, बीमारी होने दो, उसका हाथ में आता था और उसके हाथ में आने से भाई ब्रैनम उसको प्रार्थना करते हुए उसको निकालता था। वैसा तरीके का चिन्ह था उसका, बहुत जबरदस्त चिन्ह था वो। मगर वो चिन्ह से भी बढ़कर वचन था, वो चिन्ह से भी बढ़कर मोहरा खुलासा था। तभी मेरा प्यारा भाई बहनों, 50,000 का जो नंबर जो है कम हो गया, 300 तक आके खड़ा हो गया। वैसे बाद में उनके पास प्रचार करने वाला वचन को प्रचार करता था। हाँ, तभी वो वचन को प्रचार करने को शुरू किया, इनका जो झुंड गिर गया, क्यों इनका झुंड का नंबर गिर गया। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यही बात इधर बाइबल का अंदर वही बात हो गया जो प्रभु यीशु मसीह ने 10 लोगों का खोड़ी को छंगाई कर दिया। वैसे 10 लोगों में 9 लोग वापस, क्योंकि वो लोग भागा, क्यों भागा वो लोग, प्रभु का वैसे प्रभु वचन को शुरू किया वो लोग खड़ा नहीं हुआ। वैसे इधर भी हो गया, एक ही बात है, एक ही हिसाब है, उधर भी देखो इधर भी देखो। इसलिए प्रभु पूछा 9 लोग किधर है पूछा। मैं आज मैं बोलना चाहता हूं, ये सब डिनोमिनेशन का, ये सब संस्था का, ये सब लोगों को छंगे हो गए, किधर है वो आज, आज वो लोग किधर है आज। कुछ लोग मर गया, कुछ लोग बूढ़े होकर रह गया और कुछ लोग अभी भी उसका खर्चित को लेके घर में बैठ के बोलता है, ये ब्रदर बैनम का प्रेयर का खर्ची पे बोलता है, प्रेयर का रूमाल है बोलता है। वैसे वो लोग वही खर्चित को लेके बैठा, वचन नहीं है वो लोग के पास। कुछ लोगों के पास भाई ब्रैनम का लेटर्स है, कुछ बुड्ढे लोगों के पास भाई ब्रैनम का लेटर्स है, कुछ बुड्ढे लोगों के पास भाई ब्रैनम का सिग्नेचर है। वैसे एक एक को लेके ये लोग बैठा है। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, मगर किसी के पास भी वचन नहीं है। वैसे ये लोग सब छंगाई के लिए आ गया, छंगाई को पाया। वैसे और दुष्टात्मा भी देखा, ये लोगों का शरीर से जो भागा, मैं बोलना चाहता हूं ये लोग का शरीर से भागा हुआ दुष्टात्मा, बराबर सुनो, शरीर से। वैसे ये दुष्टात्मा डजन्स दुष्टात्मा भागा और ये सब दुष्टात्मा पीछे मुड़ के देख रहा है, ये लोग का प्राण पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, वचन ही नहीं है ये लोग का प्राण के अंदर, वचन ही नहीं है। और ये लोग क्या प्लान किया दुष्टात्मा, और भी 7 दूतों को लेके। यही स्थिति आज हमारा कलीसिया में भी हो गया, हमारा कलीसिया में भी, हमारा मिनिस्ट्री में भी वही बात हो गया। ये लोग मेरा प्यारा बहन अलग अलग मकसद में आके इधर आके बैठा, मगर ये लोग मेरा प्यारा बहन वचन के लिए नहीं आ गया। कुछ लोगों के लिए लड़की चाहिए, कुछ लोगों के लिए लड़का चाहिए, कुछ लोगों के लिए पैसा चाहिए, कुछ लोगों के लिए क्या क्या चाहिए, वो ऐसे धन और दौलत चाहिए, उसी मकसद से आके बैठ के सुन रहा था। आहा, और कुछ लाभ मिला वो लोग को। लाभ मिलने के बाद मेरा प्यारा भाई बहनों, प्राण के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो गया, प्राण वैसे की वैसे है, प्राण के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। और क्या हो गया, ये दुष्टात्मा सब इकट्ठा होके ऐसी प्राण के अंदर आके घुस गया और अभी तक वो लोग कब्जा करके बैठा है, अभी तक वो लोग
कब्जा करके बैठा है, इसलिए वो लोग के अंदर पहले की स्थिति से भी, पहले रोमन कैथोलिक होता तो अच्छा था, स्थिति अच्छा था, मगर वो रोमन कैथोलिक से भी बेकार अभी स्टेजर्स हो गया है वो लोग का। वो ऐसे मेथोडिस्ट में रहता तो अच्छा था, उससे भी बेकार हो गया। बैप्टिस्ट में होता तो अच्छा था, उससे भी बेकार हो गया अभी, क्योंकि मेरा फरबर बहनों ये लोग का स्थिति अलग अलग होते हुए ऐसी दुष्टात्मा के झुंड के साथ आके वास करने को शुरू हो गया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, कितना भयंकर स्थिति है, कितना भयंकर ये लोग का स्थिति है मेरे फरबर बहनों। वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ऑलराइट, हाँ अब और ये जो है परफेक्ट ऑन फेथ नवंबर 71 ये कोटेशन में परफेक्ट ऑन फेथ से निकाल दिया। और भाई लैम्बर्ट बोलता है, इधर सुनो, ये सब अभी चंगाई का बातों को हम दे, क्योंकि भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री था चंगाई का, पूरे का पूरा खाली 3 साल तक। मैं बराबर कहता है 1963 में 1965 तक बोलेगा तो 1963 से 1965 तक, मेरा प्यारा भाई बहनों भाई ब्रैनम खुद बोलते हैं मेरे लिए अभी सब दरवाजा बंद हो गया बोलते हैं। वो यस, क्योंकि सब लोग उनसे चंगाई का लाभ को पाया, सब लोगों को चंगाई हो गया, कोई भी उनका मिनिस्ट्री का नीचे आके मैसेज सुनने का, मैसेज को पाने का तैयारी में नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता है भाई ब्रैनम के सेवकाई में डिनोमिनेशन सब इकट्ठा होते हुए आनंद उठाया, जिससे आनंद उठाया चंगाई को देखते हुए आनंद उठाया, और सिर्फ डिनोमिनेशन वॉयस, क्योंकि वो चर्च एजस का समय है, वॉयस चर्च का लोग, कलीसिया का लोग, वॉयस चर्च का डिनोमिनेशन का संस्था का लोग उनका मिनिस्ट्री में बैठते हुए आनंद उठाया। ये सब मेरा फरबर बहनों बोलो, कोई भी नया जन्म को नहीं पाया, नो बॉर्न अगेन। वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ऑलराइट, क्योंकि वो लोग अपना शरीर में, बराबर सुनो, शरीर में वो लोग चंगाई को पाया, शरीर का चंगाई। वॉयस, इसलिए मेरे फरबर, शरीर का चंगाई बड़ा नहीं है, प्राण का चंगाई बड़ा है, सोल डिलीवर होना चाहिए। आपका शरीर कितना भी चंगाई पाने दो, कितना भी शरीर छुटकारा पाने दो, शरीर एक दिन जाने वाले, मगर सोल का मतलब है सोल, उधर प्राण चंगाई को पाना चाहिए, क्योंकि भाई ब्रैनम के अंदर ऐसी मटेरियल नहीं था, ऐसी चीज नहीं था ताकि लोगों का प्राण को चंगाई करे। और मैंने खुला बताता है भाई ब्रैनम अभी भी बोलता है भाई ब्रैनम काले शरीर को चंगाई किया, प्राण की चंगाई भाई ब्रैनम के सेवकाई के नीचे नहीं हुआ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। भाई ब्रैनम के सेवकाई में खाली शरीर का चंगाई हो गया, शरीर का जो छुटकारा हो गया, शरीर छुटकारा पाया मगर प्राण छुटकारा नहीं पाया। अभी डेविल क्या किया, जो शरीर से भागा हुआ डेविल, शरीर से जो भागा हुआ सातान, शरीर से जो भागा हुआ दुष्टात्मा, वो शरीर को छोड़ा, प्राण के अंदर आके घुस गया, प्राण के अंदर। इसलिए वो लोगों का स्थिति वॉयस पहले से भी बेकार अभी हो गया, इसलिए हम देख सकते हैं वो लोग को अभी भी वो लोग अभी घमंडी बन गया, पूरा घमंड में भर गया। वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, वो लोग अपना ये मैसेज को नहीं सुनेगा, वो लोग अपना ये रेवलेशन को नहीं सुनेगा, वो लोग अपना सभा में आके नहीं बैठेगा, क्योंकि वो लोग का स्थिति भयंकर हो गया। इससे अच्छा वो लोग पहले अच्छा था, वो लोग अगर पहले अच्छा होता तो अभी वो लोग हमारे पास आके बैठता था, क्योंकि ऐसी होने से पहले से भी अभी बेकार हो गया वो लोग। कैन यू से मैन, ये जबरदस्त बात है। हाउ मेनी से मैन, वुड यू प्लीज गिव द प्रेज ऑफरिंग। वॉयस, इसलिए मेरे फरबर बहन बहुत, ये बहुत भयंकर चीज है ये। वॉयस, अभी हमारा शरीर ठीक होने से भी होने से भी कुछ भी फायदा नहीं है, शरीर से भी बढ़कर प्राण है, सोल है। वॉयस, भाई लैम्बर्ट बोलता है मैं शरीर का चंगाई के लिए मेरे को नहीं, उससे भी बढ़िया मेरे को मेरा प्राण छुटकारा पाना चाहिए करके प्रभु का जन बोलता है, परमेश्वर का नबी बोलता है प्राण का छुटकारा होने का अच्छा है। वॉयस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, क्योंकि मेरे प्यारा भाई बहनों, हाँ, आई वुड रादर हैव माई सोल डिलीवर्ड, भाई लैम्बर्ट बोलता है मेरा प्राण छुटकारा पा, नाउ दिस इज आवर ऑफ गॉड्स फेथफुल सर्वेंट। वॉयस, देखिए
शरीर का प्राण को छुटकारा करने वाला काम जो है परमेश्वर का, जो विश्वास का, जो सेवक का काम है। कौन है वो? मैं नहीं है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर के विश्वास का सेवक कभी आता है? भाई ब्रानम के बाद आता है वो, भाई ब्रानम के बाद में का सेवक आइए, तब तक नहीं आता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस पैर पैर पहनो, बराबर इधर सुनो, वयस गॉड्स फेथफुल सर्वेंट, परमेश्वर का जो विश्वास का जो सेवक, हाँ वयस, अभी हमारा प्राण छुटकारा पाने का है, हमारा सोल छुटकारा पाने का है। आओ ऑल राइट, बहुत लोग भाई ब्रानम का सेवकाई में, आपको मालूम है भाई ब्रानम का जो मिनिस्ट्री में जितना लोग था, बाद में हम देखते हैं कोई भी नहीं है। वयस बहुत लोग जमा हो गए, और साउथ अफ्रीका और कौन सा देश में जाएगा तो वयस 1000 50000 50000 लैक्स एंड लैक्स लोग जमा होता था, क्योंकि चंगाई के लिए। वयस वो लोग सब, मेरा प्यार भाई बहनों, शरीर के चंगाई को पाया, शरीर में चंगाई को पाया, मगर कोई भी अपना प्राण का चंगाई नहीं हो गया। वयस वो क्लाइमेक्स था। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आके खड़ा होता है। ऑल राइट, सब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या बोलता है, रक्षक के करके स्वीकार कर दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह को अपना रक्षण देने वाले करके स्वीकार करना वयस वो बड़ा बात नहीं है। बराबर सुनो, प्रभु यीशु मसीह को वयस, ये नौ लोग भी वैसे ही, हमको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया, वो हमारा रक्षक है। ये लोग क्या रेवलेशन को पाया मालूम है? ये लोग के पास कुछ भी रेवलेशन नहीं है। ये लोग क्या पाया? मसीह ने हमको चंगाई कर दिया, मसीह ने हमारा रक्षक है। वयस जीसस क्राइस्ट इज अवर सेवियर, सबका मुंह में वही है, जीसस क्राइस्ट इज अवर सेवियर, प्रभु यीशु मसीह हमको रक्षण देने वाला है। अभी मेरा फर बेर बहनों, इधर भी एक पाखंड बैठती थी, वो भी क्या बोलती थी कमेंट्स में, अपने एप्रिसिएशन में, द लॉर्ड ओनली नोस माई हार्ट, प्रभु मेरा हृदय को देखता है, प्रभु मेरे को जानता है, और प्रभु मेरा रक्षक के करके बोलता था वो। ये लोगों का डायलॉग यही है, जीसस क्राइस्ट इज अवर सेवियर। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस मैंने आपको बोला इधर लाइट रखने का, मगर वो सब काम नहीं करते हो, जल्दी भागो। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। माय गॉड वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को ये लोग क्या बोलता था? रक्षक के करके बोलता था। अभी भी बोलते हैं यीशु मसीह रक्षक के करके, मगर वो रेवलेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मैं हमारा रक्षक है, हमारा सेवियर है बोलने वाला, वो रेवलेशन नहीं है। ये लोग खाली इतना बोलने को देखो, वो भी कैसे बोलता है? ये चंगाई को देखे बोला, ये चंगाई का जो सेवकाई को देखे बोलता है, ही इज अवर सेवियर, वो हमारा रक्षण करने वाला है। मगर वो लोग के पास जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र है करके वो लोग के पास वो रेवलेशन नहीं है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र है। वयस वो फर बेर बेर, वो जबरदस्त है, वो पावरफुल है। वयस वो पावरफुल है, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ मैन, दैट इज द पावरफुल रेवलेशन, वो नहीं है वो लोग के पास। ये सब चंगाई पाए लोग यीशु मसीह को हमको रक्षण देने वाले करके वो लोग सोचा, वो लोग भाई ब्रानम को, ब्रानम नबी करके वो लोग को मालूम नहीं। बराबर सुनो, भाई ब्रानम नबी करके भी मालूम नहीं है, खाली इतना मालूम है यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दे दिया, यीशु मसीह ने हमको रक्षण दे दिया। ये इन बातों में वो लोग आगे चला और अपना अपना कलीसिया में जाके बैठा। वयस अपना अपना कलीसिया में जाके बैठा। बराबर सुनो, क्योंकि अपना शरीर को चंगाई होने वाला देखा, शरीर का छुटकारा होने का देखा, शरीर छुटकारा पाया, और ये लोग के पास एक, ये लोग इतना तक वो लोग आ गया, यीशु मसीह हमारा सेवियर है। आहा, यीशु मसीह हमारा सेवियर है। प्रकार यही जो बात है, इवन मलकी 4:5 में भी ये लोग वही बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट इज अवर सेवियर, मगर वो उससे ज्यादा वो लोग को मालूम नहीं है, यीशु मसीह को सेवियर बोलने से भी बढ़कर यीशु मसीह हमारा मनुष्य पुत्र है, the son of man, my God, मनुष्य पुत्र है। वयस उसका जानकारी होना, वयस यीशु मसीह जो मनुष्य पुत्र है, वो जानकारी चंगाई में नहीं होता है, चंगाई का सेवकाई को देके वो जानकारी नहीं होता है, खाली चंगाई में, चंगाई पाने से प्रभु
हूं मनुष्य पुत्र करके आप और मेरे को नहीं हो सकता है, वो उसके लिए अलग तरीके होने चाहिए। माय गॉड, उसके लिए अलग तरीका होना चाहिए। प्रभु के नाम को धन्यवाद। इधर यीशु मसीह क्या बोलता है, तेरा विश्वास तेरे को चंगाई किया बोलता है, तेरा रेवलेशन तेरे को चंगाई किया बोलता है। माय गॉड, तो वापस आके बात करते हैं उसको, यीशु मसीह क्या बोलता है, यो दाई फेथ हैथ हील्ड हिम, वो बोलता है, बोलेगे तो तेरे को मिला हुआ जो रेवलेशन तेरे को चंगाई किया बोलता है। कैन यू से मैन हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, सब लोग का मुंह में वही है, यीशु मसीह हमको चंगाई किया है, यीशु मसीह हमारा सेवियर है, वो एस पर्सनल सेवियर, वो एस हाँ। इसलिए भाई लामन क्या बोलते हैं, हाँ कैसा ये सब ये स्क्रिप्चर सब पूरा होएगा, हम लोग सब स्क्रिप्चर को पढ़ा है। एक जो है एक जो है मिल में बैठता है, एक जो ग्राइंडिंग करता है, एक उठा के लेके जाएगा, एक तो छोड़ा जाएगा, दो लोग बिस्तर में है, एक उठा के लेके जाएगा, एक तो छोड़ा जाएगा। वो यस दो जन, और जैसा नूह के समय में 8 सोलता बच गया, जैसा भी दूसरा आगमन में भी, मनुष्य पुत्र का दूसरा आगमन में भी, वैस गॉड थ्रू हिज फेथफुल सर्वेंट अपना विश्वास का सेवक के द्वारा वैस महान दैविक प्रकाशन को देता है, दैविक प्रकाशन को देता है। व्हाट एवर क्या था दैविक प्रकाशन है, हाँ क्या दैविक प्रकाशन है, मनुष्य पुत्र का प्रकाशन, द वर्ड द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग, तू तो है मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है, वो डिवाइन रेवलेशन है वो। ऑलराइट, वो जो है वो जो है दुल्हन को बचाता है, वो जो है दुश्मन से हमको बचाता है। गॉड्स फेथफुल सर्वेंट 1972 अनकोट। इसका मतलब मेरा प्यारा भाई पे बहनो, भाई लैमट बोलने का मतलब क्या है, भाई ब्रैनम के बाद आप और मैं एक फेथफुल सर्वेंट, जो फेथफुल सर्वेंट बोलेगा तो परमेश्वर का विश्वास का एक सेवक, क्योंकि वो भाई ब्रैनम का मैसेज को, भाई ब्रैनम का संदेश को कोई भी अनुवाद नहीं करते हुए, प्रभु दिया हुआ अनुवाद को लेते हुए, हमारा मेरा और आपका प्राणों को वो छंगाई करने वाला, प्राणों का छंगाई का जो सेवक है, प्राण छंगाई को पाना चाहिए, प्राण सब डिसेप्शन से बचना चाहिए, प्राण सब धोखा से बचना चाहिए, वैसी तरीका का सेवक है। वोस परमेश्वर का नाम धन्यवाद। अभी मेरा प्यारा भाई बहनों, वोस ये लोग सब चंगाई को पाया, वो 9 लोगों को भी मालूम है प्रभु यीशु मसीह चंगाई किए करके, इसलिए वो लोग बोला प्रभु यीशु मसीह, मगर एक वाक्य आया वापस, इतना सारा चंगाई हो गया दुनिया में, इतना सारा चंगाई हो गया, वोस एक दो नहीं, हजारों से हजारों मिलियन का चंगाई हो गया, मगर कोई भी वापस नहीं आया। अभी वापस कौन आया मैं बताऊं इस रात को, वापस आ गया दुल्हन, ब्राइड वापस आ गई। वैसे ब्राइड अपना डिनोमिनेशन में नहीं गया, ब्राइड अपना संस्था में नहीं गया, ब्राइड रिटर्न आ गया वापस। कैन यू से मैन ब्राइड वापस रिटर्न आ गया। वैसे ब्राइड चंगाई के तो साथ में आगे नहीं निकला, चंगाई को छोड़ के बाहर आ गया। अभी हाउ मेनी से मैन, अभी दुल्हन चंगाई के सेवकाई को छोड़ दिया, चंगाई को पूरा छोड़ दिया, वापस रिटर्न आ गया। हाउ मेनी से मैन, कैन यू से मैन, भाई ब्रैनम का चंगाई को छोड़ के वापस आ गया। Oh, glory to the name of the Lord. ये एक वापस आ गए, वो ब्राइड है, एक वापस अभी आ गए ना, वो ब्राइड है, वो दुल्हन है, वो चंगाई के साथ अपना संस्था में नहीं गया। ये लोग क्या किया, चंगाई को पाया, अपना अपना संस्था में जाके बैठा, ये लोग चंगाई को पाया, अपना अपना संस्था में जाके बैठा, मगर एक रिटर्न आ गया, एक वापस आ गया। वो कौन है, वो ब्राइड है, एक जो वापस आ गया ब्राइड है, वो दुल्हन है। दुल्हन छंगाई को नहीं देखा, दुल्हन को दुल्हन छंगाई को नहीं देखा, दुल्हन के अंदर एक विश्वास था, एक फेथ था। हाउ मेनी सेमन, इसलिए प्रभु बोला दाई फेथ, आपका जो विश्वास, आपका जो रेवलेशन आपको पूरा ठीक किया बोला। हा, प्रभु ने उसका विश्वास को देखा। नौ लोग किधर है करके पूछा, 9 लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, 9 लोगों के अंदर रेवलेशन नहीं था, 9 लोग रेवलेशन को नहीं पाया, मगर ये जो रिटर्न आ गया वो रेवलेशन को पाया, आधे में छोड़ दिया, वो इस
ठंगाई का मिनिस्ट्री, क्योंकि वो लोग रास्ते में था, वो अपना अपना पास्टर को दिखाने के लिए जा रहा था, अपना अपना मंडली में जाके दिखाने के लिए अपना अपना कलीसिया में जाने वाला था, क्योंकि यीशु मसीह छोड़ दिया, जाओ तुम अपना अपना जो याजक लोगों को दिखाओ, क्योंकि आप लोग शुद्ध हो गए करके, क्योंकि वो लोग वही शुद्ध को देखता है, वो लोग को बाकी शुद्ध नहीं चाहिए, प्राण का शुद्ध नहीं चाहिए, प्राण संगय पाना नहीं चाहिए, शरीर संगय हो गए तो ठीक है, वो लोग को वैसे वो लोग शरीर का कोड़ी को देखता है, मगर प्राण का कोड़ी को नहीं है। वैसे इधर भाई ब्रैनम क्या बोलते थे, देखो मैं इस बातों को मैं गया इतवार को भी बोला, वैसे हाँ भाई रामट भी क्या बोलते, देखो मैं भी बोला इस बातों को, बराबर सुनो, बट यू से आप लोग बोलते हो हाँ ब्रदर रामट आई क्विट स्मोकिंग, मैंने स्मोक करने का छोड़ दिया, मैं सिगरेट स्मोकिंग करने का छोड़ दिया, मैं विस्की बॉटल को छोड़ दिया, हाँ अगर आपका सही माइंड में है, अगर आप सही सोचते हो, आपको मालूम है सिगरेट स्मोक करेगा तो आपको कैंसर आएगा करके, विस्की पिएगा तो आप बीमारी गिरे करके, मालूम है आपको, वो यस ऑलराइट, हाँ वो आपका वो छोड़ने से आपको सैलवेशन नहीं है, बराबर सुनो, आप सिगरेट छोड़ो और व्यभिचार छोड़ो, बहुत लोग बोलते हैं मैं व्यभिचार को छोड़ दिया, मैं मेरा गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, मैं सबको छोड़ दिया, अभी मैं ठीक है, ये सैलवेशन नहीं है, ये सैलवेशन नहीं है, आप और किसी के लिए आप बहुत कष्ट से मत बोलो, ये सब मैंने छोड़ दिया पास्टर, मैंने व्यभिचार को छोड़ दिया, क्यों कष्ट होता है आपको, क्यों कष्ट होता है, इसका मतलब आपका हृदय अभी भी है उसमें, हाँ अभी भी है मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी व्यभिचार को छोड़ता है वो हृदय के अंदर से उसका जड़ को निकाल के फेंक देने का, कैसा फेंकेगा वो, हृदय के अंदर वचन नहीं है, हृदय के अंदर रेवलेशन नहीं है, हाँ कोई भी मिलेगा, कोई किसी के पीछे भागने वाला, अगर कुत्ता भी मतलब आपको मालूम है कुत्ता का आदत वैसे, कोई मिलेगा तो उसका पीछे भागता है कुत्ता, वैसे ऐसा लोगों का भी आदत वही है, कोई भी मिलेगा, कोई भी फंडर मिलेगा उसका पीछे भागेगा, वह उसके अंदर वचन है क्या, होली गोष्ट है वो नहीं देखता है, उसको शरीर मिलेगा तो बस वैसे मजा उड़ाने के लिए होता है वो लोग को, माय गॉड मजा चाहिए वैसे, और आगे पीछे नहीं देखता है, कोई भी फंडर मिलेगा तो उसका पीछे भागेगा, वैसे लड़का लोग भी, कोई भी लड़की मिलेगा उसका पीछे भागेगा, उसका शक्ल गोरा होएगा, उसका शरीर को देखता है भागता है और गिरता है, कितने लोगों का हालत खराब हो गया, मगर एक बात बोलता है, अगर आपका प्राण छुटकारा पा के रहता है, आपका प्राण का छुटकारा हो गया, आप कोई किसी के नीचे गिर के मरेगा नहीं, आप जिंदा जिंदा खड़ा रहते हुए परमेश्वर का बेटा बनते हुए, परमेश्वर का बेटी बनते हुए आप जिएगा, हाँ माय गॉड, आप कष्ट से बोलते हो मैंने मैंने दारू को छोड़ दिया, मैंने लड़की को छोड़ दिया, मैंने व्यभिचार को छोड़ दिया, मैंने सबको छोड़ दिया, बोलते हो क्यों आपको इतना कष्ट होता है, किसके लिए आप छोड़ा, किसके लिए आप मेहरबानी करता है, अरे आपको मालूम है मैं व्यभिचार में तो अभी छोड़ दिया, बहुत घमंड में बोलता है मेरा प्यारा भाई बहन, इसमें कोई भी घमंड नहीं, आपका सैलवेशन ही नहीं हो गया, आप लड़की को छोड़ के आने से आपका सैलवेशन नहीं होता है, आप व्यभिचार को छोड़ने से आपका सैलवेशन नहीं होता है, वो सैलवेशन ही नहीं है, वो शरीर का मामला है, भाई लैम्बर्ट इधर बोला दैट इज ऑल बिलोंग्स टू द बॉडी बोलता है, क्या बोलते हैं देखो दैट इज नॉट द सैलवेशन बोलता है, वो सैलवेशन नहीं है, वो छुटकारा नहीं है, वो रक्षण नहीं है, दैट इज नॉट द सैलवेशन, यू कैन हैव सब कुछ आप लोग पाते हुए, वो सब शरीर के संबंधित है बोलता है, ऑलराइट हाँ आप ये सब छोड़ते बराबर सुनो भाई लामट क्या बोलते हैं, इन सब बातों को आप छोड़ते हुए भी आप नाश होएगा बोलता है, आमेन, ये सब आप छोड़ते हुए भी आप नाश होएगा, आप नाशन में जाएगा, सी बट गॉड सेल्वेशन इज नॉट ऑफ द बॉडी, परमेश्वर का जो रक्षण शरीर नहीं है, इसलिए मैं गया संडे बोला, ये सब लोग इसी में धोखा खाता है, ये धोखा खाने वाला बात है, हाँ ब्रूस ब्रूस इसलिए ऐसी किताब को छापा, हाँ किसिंग देना नहीं, शादी का पहले किस मत दे, वो भाई ब्रानम सही बोला, भाई ब्रानम गलत नहीं सही बोला, मगर तू कैसे लिया वो तेरा मर्जी है, वो यस ये सब शरीर का है, अगर किस देगा तो तेरा शादी के बाद तू व्यभिचारी है, माय गॉड सब लोग को डरा के रखा है, माय गॉड ये सब ठीक है, मगर एक बात बोलना चाहता है मैं,
ये सब शरीर का संबंधित है, ये सब होलीनेस शरीर का है, मगर सोल का क्वेश्चन मार्क अभी प्राण का आता है, प्राण कैसा है? आप ये सब छोड़ दिया मगर प्राण के अंदर क्या है बताओ मेरे को? आपको मालूम है आपका प्राण के अंदर डेविल होते हुए भी, सातान होते हुए भी आप इन सब बातों को छोड़ सकता है, वो भी मालूम है आपको? हाँ, डेविल बोलेगा सब छोड़ दो, हाँ विभिषार को भी छोड़ दो, सब को ठीक बन के दिखाओ, ठीक बन के दिखाओ, क्योंकि मैं तेरा अंदर है अभी, ठीक बन के दिखाओ, ये डेविल भी बात करता है। हाँ, वो सैल्वेशन नहीं है, वो रक्षण नहीं है, बराबर सुनो, ऑलराइट, सैल्वेशन शरीर का नहीं है, सैल्वेशन इज ऑफ द सोल, रक्षण जो है प्राण का है, प्राण रक्षण को पाना चाहिए, वैस मगर जो प्राण पाप करता है वो मरना चाहिए। ऑलराइट, गॉड्स अनकंडीशनल कवेनेंट टू द इलेक्टेड ब्राइड, वो कोटेशन से मैंने लिया अनकोट। मेरा प्यारा भाई बहनों, अभी ये सब प्राण का संबंधित है, प्राण छुटकारा पाना, ये सब व्यभिचार सब शरीर से होने वाला बात है, आप ये सब छोड़ने से आप रक्षण पाए करके कोई भी इधर एविडेंस नहीं है। वैस मगर प्राण क्या है? हा? प्राण का है, कोई भी ये घमंड करने का जरूरत नहीं है। मैंने मेरा पुराना गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, मैंने मेरा पुराना चीजों को छोड़ दिया, अभी अलग ही रहता है, अलग ही अभी ठीक है, मेरे को बहुत कुछ हो गया, नो, उसमें कुछ भी नहीं है। और भी हम हमारा प्राण के लिए काम करना, हमारा प्राण बचना चाहिए, हमारा प्राण के अंदर ये रेवलेशन आना चाहिए, हमारा प्राण रक्षण को पाना चाहिए, एक ही हिसाब ये प्राण रक्षण पाने के लिए रेवलेशन प्रकाशन हमारा प्राण के अंदर आना चाहिए, रेवलेशन आना चाहिए, रेवलेशन हमारा प्राण के अंदर होना चाहिए, रेवलेशन आने से होली गोस्ट आके वास करता है। कैन यू से आमेन? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वॉयस डोंट मार्वेल, सातान अपना रूपांतर हो जाएगा, सातान भी अपना रूपांतर होता है, कैसा? उजाला का दूध का जैसा। हाँ, उनको ऐसा नहीं है, ऐसा गंदा नहीं दिखता है वो। वैसे वो आके आपको धोखा देगा, वो आपको आके फंसाएगा। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। बहुत लोग सोचते हैं भाई ब्रानम नबी है करके, भाई ब्रानम नबी है करके बोलने से आपको सैल्वेशन नहीं मिला। बराबर सुनो, भाई ब्रानम नबी करके बोलने से आपको रक्षण नहीं मिला। वैसे सब लोग भाई ब्रानम को नबी करके विश्वास करते हैं। अगर हम क्या होना चाहिए? इस घड़ी का प्रकाशन मिलना चाहिए, इस घड़ी का रेवलेशन मिलना चाहिए। अभी इधर क्या हो गया? वो छुटकारा को देकर वो लोग सब प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा दे करके गया, ये सब डिनोमिनेशन का स्थिति ऐसे ही हो गया, ये सब डिनोमिनेशन वैसे ही वैसे उसी में वो लोग आनंद उठाया, मगर एक पहचान लिया, वैसे एक पहचान, ये खाली शरीर का छंगाई नहीं है, ये मेरा प्राण कभी छंगाई करेगा। My God, ये खाली शरीर का नहीं है, मेरा प्राण कभी छंगाई को करेगा, मेरा प्राण कभी छुटकारा करेगा, मेरा प्राण कभी बचाएगा, मेरा प्राण कभी, ये कौन सोचता है? ये कौन सोचता है? ये ब्राइड सोचती है, ये दुल्हन सोचती है, और ये एक वापस आ गया, वो दुल्हन का समान है। वो छंगाई का सेवक आधे में छोड़ दिया। वैसे मैं ऐसा कहना चाहता है, वो चंगाई का चंगाई में उसको कुछ भी लाभ नहीं मिला, वो चंगाई उसको आकर्षित ही नहीं किया, चंगाई को आकर्षित, इसको क्या आकर्षित हो गया मालूम है? थर्ड फुल आकर्षित हो गया, तीसरा खिंचाव, थर्ड फुल, वैसे दी वर्ड, माय गॉड, वो प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का सेवकाई को देख के खुश नहीं हो गया, वो प्रभु का वचन को देखा, वचन को वचन से आकर्षित हो गया, इसलिए वो आकर्षण उसको वापस लेके आया। माय गॉड, वो आकर्षण उसको वापस लेकर आया, अभी एक वापस आ गया, वो वचन से आकर्षित होके वापस आ गया। वैस और धन्यवाद बोलने के लिए वो अपना खाली शरीर का छंगाई को नहीं देखा, प्राणों के छंगाई के लिए वापस आ गया। हाउ मेनी से आमेन? इसलिए भाई ब्रैनम मरने के बाद सब लोग डिनोमिनेशन में गया, मालूम है? भाई ब्रैनम मरने के बाद सब लोग डिनोमिनेशन में गया, भाई ब्रैनम मरने के बाद सब लोग अपना अपना संस्था में गया। अभी आप लोग चर्चा
मिनिस्टर्स को देखते हो, भाई ब्रैनम के नाम से जो कलीसिया चलता है, भाई ब्रैनम के नाम से जो कलीसिया भी चलता है, आप लोग क्या सोचते हो? वो सब भाई ब्रैनम का सेवकाई में मेरा फैर बैर मेरे विश्वास को पा के रक्षण को पाए, नो, वो लोग सब वापस डिनोमिनेशन में जाके वैसे ही बैठा है। रोमन कैथोलिक उधर बहुत, रोमन कैथोलिक भी देख सकता है बहुत, तो बैप्टिस्ट, क्योंकि वो लोग बॉर्न ही नहीं हो गए, अगर नए जन्म नहीं पाएगा तो कैसे वो बैप्टिस्ट से बाहर आते हैं? बराबर बोलो मेरे को, मेरा प्यारा भाई बहन, अगर वो लोगों का प्राण बचा नहीं, अगर वो लोगों को रेवलेशन नहीं मिला, अगर वो लोगों को प्रकाशन नहीं मिला, अगर वो लोगों को कुछ भी नहीं मिला, वो लोग खाली भाई ब्रैनम नबी करके बोलता है, ये लोग ऐसा लोग है, वेसली को कैसा इज्जत देता है, ऐसा भाई ब्रैनम को भी इज्जत देता है, लूथर को कैसा इज्जत देता है, वैसे भाई ब्रैनम को भी इज्जत देता है, वो यस, ये लोग में कोई फर्क नहीं है, वो यस, वो लोग वैसे की वैसे, मगर पहले का स्थिति से भी ये लोग वस्ट हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि ये लोग का जीवन अलग हो गया, ये लोग बहुत कठिन हो गया, ये लोग रेवलेशन को सुनने का सुनना नहीं करके ये लोग हो गया, नहीं सुनने का जैसे ये लोग हो गया, इसलिए मैं बोलता है जो, क्यों क्यों बाइबल में ऐसा बोला, पहले से भी अभी भयंकर हो गया, क्यों बोला? बोलेगा तो पहला मेथोडिस्ट में रहेगा तो भी ठीक है, मगर अभी ये लोग भयंकर वोएस बेकार हो गया, बोलेगा तो ये लोग रेवलेशन को नफरत करने के जैसा हो गया, सेवकाई को नफरत करने के जैसा हो गया, सेवकाई का विरुद्ध निंदन करने के जैसा हो गया ये लोग, इसलिए ये लोग का स्थिति पहले से भी बेकार, बोलेगा तो सात भयंकर तरीके का दुष्टात्मा आके ये लोग का हृदय में आके वास किया। हालांकि ये लोग व्यभिचारी लोग नहीं है, हालांकि ये लोग गंदा काम नहीं करता है, सब कुछ कोई कुछ भी नहीं करता है, ये लोग शरीर में बहुत शुद्ध है, क्योंकि शरीर का शुद्ध ये लोग को हो गया, भाई ब्रैनम ने ये लोग का शरीर को शुद्ध किया, मालूम है भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में ये लोग का शरीर शुद्ध हो गया, प्राण शुद्ध नहीं हो गया, प्राण वैसे की वैसे है, अगर प्राण को देखेंगे तो वही जूना बैप्टिस्ट है, जूना मेथोडिस्ट है, जूना प्रोटेस्टेंट है, जूना जेहोवा विटनेस है, सब जूना है, इसलिए प्रभु क्या बोला, तुम लोग अपना अपना सभा में जाके बैठो, अपना अपना याजक के नीचे जाके बैठो, अपना अपना पास जाओ करके बोला। Can you say man? Hallelujah. Glory to the name of the Lord. My God. मगर उसमें से एक अपना अपना खाली से जाने के लिए नहीं राजी हो गए, वो वापस आ गया, वापस आ गया, हाँ हाँ वापस आ गए। कौन सी बात उसको वापस लेकर आया, कौन सी बात उसको ऐसी वापस खींच के आया? वर्ड, वचन, वचन उसको खींचा, वचन खींचा, वचन उसको खींचा, थर्ड फुल उसको अट्रैक्ट किया, थर्ड फुल अट्रैक्ट द ब्राइड, थर्ड फुल वयस, आहा, थर्ड फुल उसको खींच दिया, दो खींचाओ नहीं खींचा उसको, बराबर सुन, अगर दो खींचाओ खींचता तो वो दो खींचाओ के साथ जाता था, वो क्या बोलते हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागता था वो, मगर तीसरा खींचाओ, थर्ड फुल दी वर्ड, वचन उसको वापस खींचा, वापस खींचा, वापस बाकी आयो, हाँ हाँ मैं और भी रिपीट करके बोलते हैं, ये सब लोग चंगाई पाके अपना अपना संस्था में जाके बैठा, और अभी भी वो लोगों का हालत हम देख सकता है, अभी भी वो लोग का हालत वैसा है, वो लोग अभी भी अपना अपना संस्था में जाके बैठा, और भी भयंकर हो गया, वैसे पहला मेथोडिस्ट रहता तो भी अच्छा था, पहला कैथोलिक होता तो भी अच्छा, मगर उससे भी बेकार हो गया, अभी कैसा बेकार हो गया आप पूछेगा, ब्रदर वाटसन आप कैसा, क्योंकि वो लोग रेवलेशन में नहीं आ गया, रेवलेशन नहीं दिखता है वो लोग को, रेवलेशन का नफरत करता है, प्रकाशन के पीछे नहीं आ गया, वो लोग अपना घमंड को, अपना धार्मिकता को रखा, रिलीजियस माइंडेड हो गया, रिलीजियस आत्मा के बैठा, रिलीजियस हो गया वो लोग, धार्मिक बन गया, धार्मिक बन गया, क्या न्यूज सेवन, मगर वो लोग नंगा है, वो लोग के पास रवले, वो लोग खाली इतना जानता है प्रभु यीशु मसीह हमको रक्षण देने वाला है करके, मगर मनुष्य पुत्र का प्रकाशन ही नहीं है वो लोग के पास, हाँ कैन यू से मैन, वो यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, अभी इधर देखो, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, कितना जबरदस्त बात है ये, एक वापस आ गया, वयस एक वापस आया, कौन है वो, कैसा वापस आ गया, ऐसे ही वापस आ गया नहीं,
वो उसको मालूम पड़ा ये चंगाई से कुछ भी फायदा नहीं है, ये चंगाई में मेरे ये चंगाई पाते भी मैं नरक जा सकता, मेरे को रैप्चर में नहीं जा सकता, मेरे को रैप्चर नहीं मिलेगा ये चंगाई से, इसलिए मेरे को रैप्चर में जाने का, मेरे को टोकन मिलने का, मेरे को पेंटेकोस्ट में जाने का, बाय गॉड मेरे को पेंटेकोस्ट, हालेलुया ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, माय गॉड मेरे को पेंटेकोस्ट जाने का है, मेरे को रैप्चर में जाने का है। आहा, इसको रेवलेशन स्ट्राइक हो गया, ये खाली प्रभु का बेटा नहीं है, वायस हमको चंगा करने के लिए प्रभु का बेटा नहीं है, ये प्रभु सब प्रभु का बेटा से भी बढ़कर है, ये मनुष्य पुत्र है, ये दी सन ऑफ मैन है, ये मनुष्य पुत्र है, द सन ऑफ मैन, माय गॉड, और वो मनुष्य पुत्र का जो रेवलेशन प्रकाशन उसको खींच के वापस लेकर आया। कैन यू से मैन, माय गॉड, ओ मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये प्रचार करने के लिए। Can you say amen? All right. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। Yes. Praise be the name of the Lord. अभी but we are come to the place, इधर एक जगह पर बोलता है हम लोग ऐसी जगह पर आ गया, Yes. Where the word has come to us, वचन हमारे पास आ गया, देखो the plan to the real blood of God, प्रभु का सचमुच का खून का जो योजना, वो हमारा पाप को निकलने वाला वो हमारे पास आ गया अभी, Yes, praise be the name of the Lord, आहा, praise be the name of the Lord, all right, अभी मेरा पैर बैर पहनो, हाँ अभी क्या हो गया मालूम है, ये इसको देखा वचन को देखा, दी वर्ड को देखा, रिवील्ड वर्ड को देखा, इनका हृदय में ऐसी खुशी हो गया, ये वापस आ गया, कोई भी कलीसिया में नहीं घुसा, वो वापस प्रभु का पास है, इधर बराबर देखो, वापस प्रभु का पास आ गया, समझने की कोशिश करो, वापस प्रभु का पास आ गया, अभी भाई ब्रैनम का सेवक का है, किसका है, प्रभु का है, सब लोग सोचा भाई ब्रैनम नबी करके, बराबर सुनो, प्रभु को नहीं देखा वो लोग, प्रभु को नहीं देखा वो लोग, भाई ब्रैनम चंगाई करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसलिए यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाले, वो लोग को रेवलेशन नहीं मिला, खाली भाई ब्रैनम नबी करके बोलते हुए, नबी का जो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री करके सोचते हुए वो लोग सब अपना अपना, मगर एक पहचान लिया, ये भाई ब्रैनम नहीं है, ये खाली यीशु नहीं है, वयस ये खाली ये चंगाई का सेवकाई नहीं है, ये वचन का भी सेवकाई है, ये वचन भी है, दी वर्ड है इधर, अभी मेरे को वचन चाहिए, दी वर्ड चाहिए, क्योंकि मेरे को पेंटेकोस्ट को देखने का है, वेस ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, मेरे को पेंटेकोस्ट को देखने का है, कैन यू से मैन, मेरे को पवित्रात्मा का बपतिस्म चाहिए, मेरे को होली गोस्ट बपतिस्म चाहिए, क्योंकि मेरा प्राण बचने का है, बिना होली गोस्ट बपतिस्म से मेरा प्राण नहीं बचेगा, वयस इतना लोग चंगाई पाया, वो लोग तो पवित्रात्मा के बैप्टिस्म को बैप्टिस्म मिला नहीं मिला, मैं भी एक समय में सोच रहा था, क्योंकि हम जन्म भी नहीं लिया उस समय में, भाई ब्रैनम का समय में हमारा जन्म तक भी नहीं हो गया, हम खाली भाई ब्रैनम के बारे में सुना, मैं भी सोचा इतना लोगों को चंगाई हो गया, इतना लोगों को अफ्रीका में 50,000 उधर 50,000 उधर 1,00,000 इधर 1,00,000 बहुत बहुत लोग झुंड हो रहा है, ये लोग सब क्या हो गया करके सोच रहा था, मगर परमेश्वर इसके लिए हमको जवाब दे दिया, वो लोग सब अपना अपना कलीसिया में जाके बैठा, वो लोग कोई भी परिवर्तन नहीं हो गया, वो लोग का जिंदगी कुछ भी नहीं हो गया, क्योंकि इसलिए भाई ब्रैनम आखिरी में बोला मेरा मिनिस्ट्री मेरा सेवकाई में एक गंदा बदवा देने वाला एक इजिप्शियन का जन्म हो गया करे, इसका मतलब कोई भी बॉर्न अगेन नहीं पाया, कोई भी नया जन्म नहीं पाया, क्योंकि चंगाई का सेवकाई में किसी को भी नया जन्म नहीं मिल सकता है, भाई ब्रैनम का चंगाई का मिनिस्ट्री के नीचे बैठते हुए बराबर सुनो, भाई ब्रैनम का चंगाई का सेवकाई के नीचे और भाई ब्रैनम गिलारी को सृष्टि किया उसको देखे आज कोई किसी को नया जन्म नहीं मिलेगा, वैस भाई ब्रैनम गिलारी करने का देख के उसका नीचे बैठते हुए आपको नया जन्म नहीं मिला, मगर एक बात बोलता है नया जन्म मिलने के लिए भाई ब्रैनम जो प्रचार किया है जो वर्ड जो मैसेज जो प्रचार किया है उसका रेवलेशन होने से उसका प्रकाशन मेरे को आपको मिलने से हमको नया जन्म होता है, वैस मगर वो भाई ब्रैनम का सेवकाई नहीं है, वो परमेश्वर का विश्वास का एक सेवक का सेवकाई है, वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। अभी ये बातों को देखो आप लोग, ये लोग सब अपना अपना जगह पर अपना अपना
जो संस्था में चंगाई पाते हुए गया वो यस, मगर एक वाक्य आया किसके पास? प्रभु के पास। एक वाक्य प्रभु का, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया किधर भी जाएगा तो मेरे को बचने का नहीं है। अभी मेरा शरीर चंगा होएगा तो क्या हुआ, और भी मेरे जीवन में खोड़ी है, और भी मेरा प्राण ठीक नहीं है, अभी मैं वापस जाना चाहिए, मेरा प्राण अभी ये सब चर्चस में जाएगा तो बचेगा नहीं। वो ये सब डिनोमिनेशन का वो अंदर जाएगा तो मेरा प्राण बचेगा नहीं, इससे अच्छा मैं वापस प्रभु के पास आना चाहिए। वो यस, और वापस वो प्रभु के पास आ गया। हाउ मेनी सेवन, वो हमारा स्थिति ऐसा है, हम वापस प्रभु के पास आ गए, भाई लामड़ के पास नहीं है, प्रभु के पास हम आ गया। वो यस, वो व्यक्ति के प्रभु के पास आ गए हम, क्योंकि वो प्रभु को पहचान लिया, वो परमेश्वर को पहचान लिया। वो यस, वो धन्यवाद करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए वापस आ गया। क्यों धन्यवाद? चंगाई खाली शरीर में चंगाई पाई? नो, मेरे को प्रभु मिला, मेरे को प्रभु मिला, मैं प्रभु को पहचाना। वो शॉट में जो प्रभु आ गया, वो प्रभु पृथ्वी को छोड़ के नहीं गया, वही प्रभु पृथ्वी को पर खड़ा हो गया, हमारा प्राण का चंगाई का काम शुरू करता है अभी, और एक मिनिस्ट्री के द्वारा, वो और एक सेवकाई के द्वारा, वो जो है वॉइस आवाज का द्वारा, क्योंकि आवाज आवाज हाँ हमारा शरीर को ठीक करता है, आवाज के द्वारा हमारा शरीर ठीक होता है, सॉरी प्राण ठीक होता है। वो आवाज हमारा प्राण के अंदर आना चाहिए, वो आवाज हमारा प्राणों को ठीक करता है। Can you say amen? वो आवाज को हम सुनने के, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनेगा और वो मेरा पास आ जाएगा, मैं उसका नाम लेके पुकारेगा और वो मेरा पास आएगा और कोई भी ताकत उसको मेरा हाथों से छीनेगा नहीं। Can you say amen? और ये तो है जबरदस्त सेवकाई। वो यस, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वापस रिटर्न आ गए, वापस पीछे मुड़ के आ गया, वो दुल्हन है। ये सब डिनोमिनेशन है, मगर ये दुल्हन है, वो इस दुल्हन एक ही वापस आ सकता है, क्योंकि दुल्हन को खाली भाई ब्रैनम नबी करके मालूम नहीं है, दुल्हन खाली भाई ब्रैनम को नबी करके नहीं जानी, दुल्हन ये सेवकाई प्रभु का ही करके जाना, प्रभु का ही करके जानी, इसलिए वो वापस प्रभु के पास आ गया, वापस परमेश्वर के पास आ गया। वो इसलिए प्रभु क्या पूछा, क्या तुम अकेला है, क्या तुम एक ही है? वो यस, और बाकी ना 900 डिनोमिनेशन किधर है? क्योंकि उसको याद हो गया ये 900 डिनोमिनेशन, 1000 डिनोमिनेशन में इतना महान काम हो गया, परमेश्वर का इतना बड़ा सामर्थ्य का प्रदर्शन हो गया। अब अगर वो लोग किधर है अभी? खाली तुम अकेला आ गया, खाली तुम अकेला आ गया? प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यही जो क्वेश्चन है आज भी, यही जो प्रश्न है, इतना सारा जो चंगाई को हो गया, इतना सारा पावरफुल मिनिस्ट्री भाई ब्रैनम के समय में हो गया, इतना सारा चिन्ह और चमत्कार प्रदर्शन हो गया, इतना सारा लोग चंगाई पाया, खाली यही जो अकेला ब्राइड, जो ब्राइड एक वो भी वचन में क्या बोला, स्ट्रेंजर करके बोला, स्ट्रेंजर बोलेगा तो अजनबी, वोस अजनबी जो स्ट्रेंजर है, कैन यू से मेन? वोस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खाली अकेला आ गया, माय गॉड, मगर इसमें बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा रेवलेशन है, क्योंकि ये ब्राइड को वो रेवलेशन मिला, अकेले को वो रेवलेशन मिला, वोस प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशन मिला, ये प्रभु है करके। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वोस कैन यू से मेन? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, इसको अकेले को वो रेवलेशन मिला और अकेला वो रेवलेशन को पाते हुए वापस आ गया, क्योंकि उसको खाली शरीर का चंगाई का मतलब नहीं है, इसका प्राण का भी चंगाई होना चाहिए। वोस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वोस इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वापस आते हुए प्रभु ने पहला प्रश्न पूछा, बाकी 900 लोग बोलेगा तो 900 डिनोमिनेशन किधर है, 900 डिनोमिनेशन किधर है, 1000 डिनोमिनेशन किधर है? ओ यस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओ यस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। 900 डिनोमिनेशन किधर है, किधर है वो? ये क्वेश्चन मार्क के वो लोग के लिए अभी भी, ये सब क्वेश्चन मार्क के भाई ब्रैनम आके 900 डिनोमिनेशन का अंदर जाके इन सब चिन्ह चमत्कार को कर दिया, मगर एक ब्राइड वापस आ गया। ओ यस, और प्रभु को पहचाना, परमेश्वर को पहचाना, सातवा मोहरा को पहचाना, सातवा मोहरा के पास आ गया। ओ यस, सातवा मोरा उसको पहचान लिया और सातों मोरा उसके पास आ गए मेरे प्यार भाई बहनों, और वो मोरा को पहचाने से प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओ यस, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। और वो मोरा को पहचाने से उसको मालूम हो गया, ये जो है मेरा प्राण को बचाने वाला है।
परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये मेरा प्राण को बचाने वाला जो मिनिस्ट्री है, सेवंथ सील जो है, सातवां मोहर जो है, प्रभु है, परमेश्वर है, ये मेरा प्राण को बचाएगा। मेरे को टोकन मिलेगा, मेरे को पेंटेकोस्ट मिलेगा, मेरे को रैप्चर मिलेगा। ओएस यस, इससे सबसे बढ़िया है। ओएस चंगाई के सेवक का इसे कुछ भी नहीं होने वाला है, मगर इसमें बहुत कुछ होने वाला है। इसमें मेरे को टोकन मिलेगा, इसमें मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, इसमें मेरे को मिलेनियम मिलेगा, इसमें मेरे को रैप्चर मिलेगा। ये सब कुछ है और पुनरुत्थान भी हो जाएगा। ओएस इसलिए वो वापस आके थैंक्स बोला कि क्यों थैंक्स बोला, किसके लिए? अपना शरीर में चंगाई हो गए कर दो, उसके लिए नहीं। मेरे को आपने मिला करके, मेरे को ये रेवलेशन मिला करके धन्यवाद बोला। ये रेवलेशन मेरे को मिल गया, इसलिए आपको धन्यवाद दे प्रभु, आपको धन्यवाद दे। मेरे को खाली चंगाई नहीं, ये रेवलेशन मेरे को मिल गया। आप धन्यवाद क्यों बोलते हो? भाई ब्रानम का चंगाई के लिए धन्यवाद बोलते हो? नो, ये रेवलेशन के लिए धन्यवाद बोलो। ये रेवलेशन मिला करके आप धन्यवाद बोलो, क्योंकि ये रेवलेशन आपको वापस वो सब चंगाई का सेवकाई से वापस लेकर आया। आप आधे में वापस आ गए, आप पूरा तक वो लोग के साथ नहीं चला, आप वो डिनोमिनेशन के साथ पूरा तक नहीं चला, आप वो सबको छोड़ के वापस आ गए। हाउ मेनी सेमन इस रात को आप लोग ये मैसेज को सुनते हो ऑनलाइन में, सब लोग मैं बोलना चाहता है, आप आधे में छोड़ के वापस आ गए। आप वो चंगाई के साथ आपने आगे नहीं गया, आप वो गिलारी करने का चीजों के नीचे नहीं बैठा। भाई ब्रानम जो गिलारी करता था, गिलारी किया, उसके नीचे आप जाके नहीं बैठा। भाई ब्रानम इतना सारा चंगाई किया, मुर्दा को उधर ही नहीं बैठा, आप उसको छोड़ के वापस आ गया। क्योंकि आप, आपको मालूम हो गया, मेरे को नया हाथ मिलने से भी, मेरे को नया पैर मिलने से भी, मेरे को नया आंख मिलने से भी, मेरे को नया सोल मिले, नया प्राण मिले, मेरा प्राण नया हो जाए। क्योंकि प्राण नया होने का एक ही रास्ता है, पवित्रात्मा का बपतिस्मा। प्राण नया होने का एक ही रास्ता है, बपतिस्मा आपका होली गोस्ट। इसलिए आप, क्योंकि आपका स्थिति पहले की स्थिति से बैठकर नहीं हो गया, आप आपका प्राण को खाली नहीं रखा, आप आपका प्राण के अंदर वचन को रखा, रेवलेशन को रखा। इसलिए कोई भी दुष्टात्मा नहीं आ सके, कोई भी आपको फंसा नहीं सके। इसलिए आपको कोई भी आके, आपका बेटी आके आपसे बात कर दे दो, आपका बेटी आपके आपको हंस के, डैडी कैसा है आप, बहुत समय के बाद मैंने आया, डैडी कैसा आप, कैसा है आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको मालूम हो गया। ये सब डैडी बोलने वाला आत्मा जो है, ये सब डैडी बुलाने वाला आत्मा है, ये ठीक आत्मा नहीं है, ये सही आत्मा नहीं है, इसमें गलत है कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने पहचान लिया, आपने इसको फर्क लिया। इसलिए आप आज इस मिनिस्ट्री के नीचे बैठ के ये सुसमाचार को सुनते हो, क्योंकि प्रभु आपको आशीष करता है। प्रभु आपको आशीष कर दिया क्योंकि आपको मालूम पड़ा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये सोल सबसे बढ़िया है, ये सोल रक्षण को पाना चाहिए। आपने रोमन कैथोलिक से आया, मगर रोमन कैथोलिक आपके लिए अभी मर चुका है, अभी आप नया सृष्टि बन गया। प्रभु यीशु मसीह का नीचे बैठते हुए प्रभु को धन्यवाद बोलते हो, ओ परमेश्वर मेरा बेटी होने दो, कोई भी होने दो, मेरे को आपका रेवलेशन मिला, मेरे को आपका मैसेज मिला, मेरे को आपका रिवील्ड वर्ड मिला, प्रकटित वचन मिला, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता है। ओएस वही धन्यवाद हमारे जीवन में होना चाहिए। हाउ मेनी से मेन ओएस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। Glory to the name of the Lord. कभी कभी आपके जीवन में ये सब बात होता है मेरे प्यारे बहन बहनों, आप वापस मुड़ के आ गया, वॉयस वापस आप आ गया ये मिनिस्ट्री, क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्त मैसेज है, बहुत जबरदस्त वचन है वो बाइबल में। वॉयस यीशु मसीह का पास वो वापस एक आके खड़ा होके बोला धन्यवाद दे। प्रभु क्या बोला? प्रभु उसका क्या देखा? उसका विश्वास को देखा, उसका रेवलेशन को देखा। प्रभु क्या बोला? तेरा विश्वास तेरे को ठीक किया, तेरा विश्वास तेरे को ठीक किया। अभी मैं आखिर में मैं पढ़ना चाहता है, वही वही एक मैं बंद करके रखा है, ब्यूटीफुल वर्ड है वो। यस इसमें लूको का सुसमाचार 17 ऑलराइट, इधर इधर एक शानदार चीज़ों को हम देख सकते हैं। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। And Jesus answering said, Where are they now? Already. And he said unto him, Arise, utho. Abhi dekho ye vachan ko. Arise, utho.
गोधाई वे जाओ, आपका रास्ते में कौन सा रास्ता है? टोकन के लिए उठो, टोकन के लिए जाओ, तेरा रास्ता भी टोकन के लिए। माय गॉड, कितना महान चीज है। अराइज शाइन, उठो, उजाला दे वो। अराइज एंड शाइन, अराइज अभी वर्ड आता है उठो करके। मेरा प्यारा भाई और बहनें, जबरदस्त वर्ड है प्रभु का। ऑलराइट, thy faith, तेरा जो रेवलेशन हैथ मेड दी होल, तेरा जो तेरे को जो मिला हुआ प्रकाशन पूरा तेरे को स्वस्थ कर दिया, तेरे को पूरा स्वस्थ कर दिया, तेरे को बराबर सैल्वेशन मिला। माई गॉड, अराइज अभी उठो, तू तेरा रास्ते में जाओ। किधर जाने वाला रास्ता है? वेस, I am the way, मैंने जो वो रास्ता है। वेस, अभी रास्ता कौन है? इधर प्रभु है। किधर के लिए? टोकन के लिए। कौन सा? कभी टोकन आने में टोकन तक चलाने वाला रास्ता है। और तेरा विश्वास तेरे को सब कुछ ठीक कर दिया, तेरे को टोकन लेने के जैसा कर दिया, तेरे को टोकन मिलने के जैसा कर दिया। उठो और जाओ, तेरे को टोकन मिल जाएगा। Can you say amen? कितना लोग आनंदित है इस रात को? कितना लोग आनंदित है? कितना लोग अपना फेर में खड़ा होकर अपना दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु आपको धन्यवाद दे। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करेगा जैसा मैंने प्रार्थना करता है, आप लोग भी आपका मुंह को हिला के प्रार्थना करो। धन्यवाद दे, मैं प्रार्थना करता है। धन्यवाद दे प्रभु, आपने ये मैसेज के द्वारा हमको बताया, उठो और तेरा रास्ता में जाओ। हमारा रास्ता आप है प्रभु, आपने बोला मैं वो रास्ता है करके। धन्यवाद है प्रभु, ये रास्ता में चलने से हमको आपने टोकन तक पहुंचाएगा। धन्यवाद है प्रभु ये शानदार मैसेज के लिए, ये मैसेज के द्वारा हमारे आंखों को आपने खुलासा कर दिया प्रभु। धन्यवाद है। और ये मैसेज से हमको मालूम पड़ा, हम जो है प्रभु, हम ऐसी चिन्ह के पीछे भागा नहीं, ऐसी चंगाई के पीछे भागा नहीं, हम भाई ब्रैनम का मैसेज के पीछे भाग के आया, क्योंकि हमको मालूम पड़ा ये मैसेज हमको रक्षण देने वाला मैसेज है। ये मैसेज से हमको प्रकाशन मिला, आप जो है मनुष्य पुत्र है। धन्यवाद है प्रभु, ये सब आपका महिमा और आपका कृपा से हो गया। धन्यवाद है। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। अभी आखिरी में भाई मिनिन गाना गाएगा। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ये गाने के बाद सर्विस डिसमिस हो गया। प्रभु के नाम को धन्यवाद दे। गाना होने के बाद सर्विस डिसमिस हो गया। Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. See?